हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिताज रंगोली। फ्रेंड्स, आज हम बाल कृष्णा जी की एक सुंदर सी पोर्ट्रेट रंगोली बनाना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 38x30 सेंटीमीटर की एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। फिर बीचों बीच कृष्णा जी की एक फेस ड्रॉ करेंगे। बैक पेंसिल या फिर स्केच पेन, आपको जो भी ठीक लगे आप उसकी हेल्प से ड्रॉ कर लीजिए। ड्राइंग बनाने से पहले आप शुरू में हल्की लाइन से ड्रॉ कीजिए। जब आपको परफेक्ट दिखने लगे ड्राइंग, तब आप उसे डार्क कर लीजिए। फिर नीचे एक तिरछी लाइन से बांसुरी बना लेते हैं। ड्राइंग कंप्लीट हो गई। अभी हम पगड़ी बनाएंगे। येलो, पिंक और ऑरेंज कलर से पगड़ी में कलर भरेंगे। सबसे पहले येलो से पूरे पगड़ी में कलर फिल कर लेते हैं। येलो के साथ हल्की सी ऑरेंज मिला के धारियां देते हैं। फिर बीचों बीच थोड़ा पिंक और ऑरेंज कलर की सहायता से शेडिंग फिल करेंगे। अभी जो बीच में हमने बॉर्डर के लिए जगह खाली रखी है, उसमें पहले रेड कलर फिल करेंगे। फिर बीच में थोड़ा ऑरेंज से उसे हाईलाइट की लुक देंगे। बीच में जो जगह छोड़ी है मोर पंख में, उसमें पहले डार्क ग्रीन, फिर हल्की ग्रीन से धारियां, थोड़ा ब्लैक भी यूज करेंगे। और बीच में मोर पंख की जो चंद्रिका होती है, उसमें ऑरेंज, येलो, स्काई ब्लू और पर्पल कलर की सहायता से कलर भर लेंगे। अभी पगड़ी में हम कुछ फूल से भी सजाएंगे। पिंक कलर से रोज फ्लावर बनाएंगे। टूथपिक से हल्के हल्के हाथों से गोल गोल घुमाना है। ब्लू कलर से कुछ फ्लावर्स बना लेते हैं बर्ड्स की सहायता से। कुछ व्हाइट कलर के फ्लावर्स भी बना लेते हैं। फिर हम चेहरे में कलर फिल करेंगे। ये लास्ट में मोतियों की एक लड़ी। चेहरे के लिए तीन कलर यूज करेंगे, ब्लू, पिंक और व्हाइट। इसी कलर से 7-8 शेड बनानी पड़ेगी हमको। पहले ब्लैक कलर से आईब्रोज और आंखों की आउटलाइन बना लेंगे। फैली हुई रंगोली को क्लीन कर लेंगे ब्रश की सहायता से। अब माथे में कलर भरेंगे। डार्क से लाइट तक आएंगे। पहले ब्लू में, फिर ब्लू के साथ जो पिंक कलर मिलाया है वो कलर, और उसी कलर में थोड़ा व्हाइट मिला के लाइट बनाएंगे। फिर व्हाइट कलर, कलर्स को मर्ज करते हुए आएंगे। अभी बाल थोड़ा सा दिखाने के लिए माथे पे जो बाल गिरे हुए हैं कान्हा जी के, उसमें मैरून, येलो और ब्लैक कलर से थोड़ा सा कुछ बाल बना लेते हैं। आंखों के ऊपरी और निचले भाग दोनों में ब्लैक कलर भरेंगे। फिर ब्रश से उसे क्लीन करेंगे। बॉर्डर साफ दिखनी चाहिए। फिर आंखों के ऊपरी भाग में ब्लू, और पिंक कलर की सहायता से कलर भरेंगे और फिर दोनों को मिला के मर्ज करेंगे। जो भी पिक्चर देख के आप ड्राइंग बना रहे हैं या फिर रंगोली बना रहे हैं, उसे देखते हुए कलर भरेंगे
तो आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। बीच में आंखों की पुतलियां थोड़ी बड़ी रखेंगे क्योंकि ये बाल कान्हा जी की बना रहे हैं हम छवि, और व्हाइट कलर से बीच में 2-3 बिंदी देंगे। व्हाइट कलर से एक पतली धार भी बनाएंगे ताकि आंखों में थोड़ा पानी का लुक आए। ये इस तरीके से। अभी गाल में कलर भरेंगे डार्क ब्लू, फिर जो ब्लू कलर और पिंक कलर मिलाया है वो कलर, बीच में लाइट करते हुए आएंगे और थोड़ा सा व्हाइट से हाईलाइट, क्योंकि ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हम बना रहे हैं तो गाल थोड़े से फूले हुए दिखने चाहिए। नाक के साइड में थोड़ा शेडिंग और नाक के ऊपर व्हाइट कलर से हाईलाइट। ये देखिए, आप देख सकते हैं कान्हा जी की जो तस्वीर हमने ड्रॉ किया था वो अभी हल्की हल्की मुस्कुराहट उसमें दिख रही है। जब पूरा शेडिंग हम भर लेंगे तो अच्छे से स्माइल दिखेगी। दूसरे गाल में भी कलर भर लेते हैं, बीच में व्हाइट से आउटलाइन व्हाइट में, और फिर होंठ में रेड कलर भरेंगे, दोनों तरफ थोड़ा सा पिंक मिलाएंगे, रेड प्लस पिंक। होठों की दोनों साइड छोटी छोटी बिंदियां ब्लैक कलर की। आप साफ करते आइए ऊपर से जब नीचे तक आ रहे हैं बनाते हुए, फिर व्हाइट से थोड़ा हाईलाइट। अब होठों की जो ऊपर और नीचे का भाग बचा है उसे भी हम कलर भर लेते हैं। अभी मुस्कुराहट पूरी तरह से नजर आ रही है। जिस भाग में आपको हाईलाइट दिखाना है आप उसमें व्हाइट भरते जाइए। तिलक बनाने से पहले थोड़ा टूथपिक से आउटलाइन खींच लीजिए, फिर उसी के ऊपर रेड कलर से आप तिलक बना लीजिए। बांसुरी जो ड्रॉ किया था उसमें भी 3 कलर से कलर फिल करते हैं, ऑरेंज, येलो और व्हाइट कलर से। नीचे की तरफ ऑरेंज प्लस रेड यूज करेंगे। बीच में येलो कलर फिल करेंगे। सभी कलर्स को मर्ज कर लेंगे पहले। फिर हाईलाइट दिखाने के लिए येलो प्लस व्हाइट। इसे भी हम साफ करते जाएंगे। हम ऊपर से नीचे की तरफ जब रंगोली में कलर फिल करते हैं तो हमें सुविधा होती है रंग जब फैल जाते हैं उसे क्लीन करने में, इस तरीके से। बांसुरी को और थोड़ा सा सुंदर लुक देने के लिए 2-3 कलर से पट्टियां बना लेते हैं। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें ऑरेंज, रेड और ग्रीन यूज किया है। ब्लैक कलर से बांसुरी की जो होल होती है वो बना लेंगे। अभी गर्दन में कलर फिल करेंगे डार्क से लाइट शेड तक। जो भाग में बॉडी दिख रही है उस भाग में हम कलर फिल कर लेंगे ब्लू कलर से। 2-3 लड़ी के हार भी दिखानी है इसलिए हम डार्क ब्लू कलर फिल किए। अभी उनके जो वस्त्र ओढ़े हुए हैं कान्हा जी उसमें भी येलो कलर से फिल कर लेंगे, और थोड़े से बाल उनके दिखाना है पीछे की तरफ, हाईलाइट के लिए ग्रे कलर। ये 2-3 हार बना लेंगे गले में उनके, बीच में एक ताबीज। अभी फूल की माला उनकी बनाने के लिए व्हाइट,
पिंक, येलो, ग्रीन, इस तरह से तीन चार कलर से उनके फूल की माला बना लेते हैं। ये हमारे कान्हा जी अभी रेडी हो गए। अभी पगड़ी में एक आउटलाइन खींच लेते हैं और पीछे की तरफ जो बैकग्राउंड है उसमें रेड फिल करते हैं। जस्ट छवि के आसपास थोड़ा सा मैरून फिल करेंगे ताकि जो कान्हा जी की छवि है वो उभरी हुई अच्छे से दिखे। साइड में हम बॉर्डर बना लेंगे चारों तरफ ब्लैक कलर से और बांसुरी में दो लड़ी बना लेंगे व्हाइट कलर से। अभी हमारी रंगोली कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रंगोली अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।